Hello and welcome to our YouTube channel Ruble Solutions. In this video of C programming, we will learn about input and output functions. Students, जैसे कि हमने प्रोग्राम्स में देखा है, हमने printf और scanf के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज ये जो प्रैक्टिकल वीडियोस है उसमें अभी मैं आपको इसकी थ्योरी बताने जा रही हूँ, ठीक है? printf और scanf क्या होता है? जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं. क्या होती हैं? इनबिल्ट लाइब्रेरीज. तो लाइब्रेरीज के साथ उसके उनके फंक्शंस भी आते हैं. तो जो इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं इनपुट और आउटपुट के, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम मेनली जो कॉमन यूज़ करते हैं वो है printf और scanf. जो printf फंक्शन है वो आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पर. क्या दिखाता है? आउटपुट. मतलब जब हम printf हेलो लिखेंगे तो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आएगा? हेलो. और scanf क्या करता है? इनपुट करवाता है. क्या करवाता है? इनपुट. जैसे सपोज करो अपन चाहते हैं कि हम 10 एंटर करें और वो हमें बताए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हमें इनपुट किसके थ्रू करवाना पड़ेगा? scanf के थ्रू. किसके थ्रू करवाना पड़ेगा? तो पहला एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. पहला एग्जाम्पल है सिंपल सी आउटपुट. देखो, ये तो अब आपको पता चल ही गया है, हैश इंक्लूड शेड्यू डॉट एट. सबसे पहले हेडर फाइल को डालते हैं, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग और रिटर्न जीरो. ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? सी प्रोग्राम. अगर आप यहाँ पर लिख दोगे सी सेज हेलो, तो आउटपुट क्या आएगा? C says hello. क्या आएगा? ठीक है, अब ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है? ऑल वैलिड सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन द मेन फंक्शन. द कोड एग्जीक्यूट बिगिंस फ्रॉम द मेन फंक्शन. ठीक है, ये जो मेन होता है ये बहुत जरूरी है. अगर ये मेन नहीं होगा ना, तो प्रोग्राम लिखा ही नहीं जाएगा. तो प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मेन. कि ये मेन फंक्शन होना जरूरी है, ये वाला मेन फंक्शन. ठीक है, उसके बाद printf इज द लाइब्रेरी फंक्शन टू सेंड फॉर्मेटेड आउटपुट टू स्क्रीन. printf फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन स्टेडियो डॉट एच हेडर फाइल. हेयर स्टेडियो डॉट एच इज अ हेडर फाइल एंड हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू पेस्ट द कोड फ्रॉम द हेडर फाइल व्हेन नेसेसरी. देखो, सबसे पहले आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ. स्क्रीन अभी रुकी हुई है तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से आप लिख सकते हैं पॉज करके. ठीक है, सबसे पहले मेन ज़रूरी है. फिर printf क्या है, जो कि हमारी स्क्रीन पर आउटपुट भेजेगा. फिर printf कहाँ पर डिक्लेयर होता है? स्टेडियो डॉट एच में. स्टेडियो डॉट एच क्या है? हेडर फाइल है. वो कैसे इंक्लूड होता है? हैश इंक्लूड. वो क्या है? प्री प्रोसेस. हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू पेस्ट द कोड. उसके बाद रिटर्न जीरो क्या है? ये बताता है कि हम प्रोग्राम को बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, समझ आई ये प्रोग्राम? ये वाला प्रोग्राम समझ आया? सी आउटपुट. अब है नेक्स्ट, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल सी इंटीजर आउटपुट. अगर हमें कोई इंटीजर डिस्प्ले कराना है, अभी तक हम क्या डिस्प्ले करवा रहे थे? आपने देखा सी हेलो वर्ल्ड, सी प्रोग्रामिंग, समथिंग लाइक दैट. अब अगर हमको इंटीजर प्रिंट करवाना है तो देखो क्या करना है. हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच इंट मेन, तो ये तो आएगा ही और ये दो ब्रैकेट्स तो आएंगे ही. मतलब ये चार जो कोड की लाइंस हैं ये तो आएंगी ही आएंगी. उसके बाद देखो हमने क्या किया, इंट टाइप का एक इंटीजर डिफाइन किया जिसको वैल्यू दे दी 5. अब देखो, जब हमने किसी को वैल्यू दे दी तो हमने उसी को कॉल करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? उसी को कॉल कर. तो printf नंबर इज इक्वल टू. अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात समझने वाली है कि ये जो कोट्स के अंदर जो भी आता है ना, ये कोट्स हैं, ये एज इट इज प्रिंट होगा. जैसे नंबर इज अगर आपने लिखा है तो यहाँ पर ये देखो आउटपुट में नंबर इज आएगा. नंबर इक्वल टू लिखा है तो क्या आएगा? नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी. ठीक है, परसेंटेज डी से वो क्या करेगा? वो फाइंड आउट करेगा
कि कौन सा इंटीजर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है. तो परसेंटेज डी से वो कहाँ गया, यहाँ पर कहाँ गया, ठीक है. परसेंटेज डी से उसने वो फाइंड आउट करने लगा कि आपने कौन सा वेरिएबल, ये टेस्ट इंटीजर क्या है, वेरिएबल, इसकी जगह आप कुछ भी लिखोगे ना, जैसे सपोज करो टेस्ट रूबल लिख देते हो, क्या लिख देते हो, टेस्ट रूबल. अब ये सर्च यहाँ पर आपको टेस्ट रूबल लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल का नाम है टेस्ट रूबल. तो बस जैसे ही वो इसको देखेगा और आउटपुट कर देगा नंबर 5. आप ये प्रोग्राम्स सी, देखो टर्बो सी प्लस प्लस और देव सी प्लस प्लस, दो सॉफ्टवेयर्स मैंने यूज़ करे हुए हैं. और अभी मैंने रिसेंटली एक तो टर्बो सी प्लस प्लस 3.5 होता है, जो कि नॉर्मली स्कूल्स और कॉलेजेस में इंस्टॉल्ड होता है, और वो होता है ब्लू कलर का स्क्रीन. अभी मैंने रिसेंटली कल ही टर्बो सी प्लस प्लस 4.5 इंस्टॉल किया है. अभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल करूँगी मैं उसमें करूँगी, तो आप ज़रूर देखना और मुझे बताना कैसा लगा. और देव सी प्लस प्लस भी है, ठीक है, तो इनमें आप वो कोड चला के देखो और रन और एग्जीक्यूट करके देखो. अगर एरर आती है तो मेरे साथ शेयर करो कि मैम ये एरर आ रही है, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी 100%. आप नीचे इस कोड, इसके कमेंट में कोड लिखिए और एरर बताइए अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रही है, ठीक है. आप करिए मेरे साथ साथ चलिए, आपको मैं सी में कन्फर्म मास्टरी कर दूँगी. आप कहोगे हाँ हमें सी आ गई है. उसके बाद इनसाइड द कोटेशन ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन देयर इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर इंटीजर. इफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग मैचेस द टेस्ट इंटीजर इन दिस केस, यहां पर टेस्ट रूबल कर दिया मैंने, क्या कर दिया, टेस्ट रूबल, इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है. अब अगला एग्जाम्पल है सी इंटीजर इनपुट आउटपुट, मतलब इसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी है. तो हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच इंट मेन, फिर देखो इंटीजर, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया टेस्ट इंटीजर, फिर क्या प्रिंट कराया, एंटर एन इंटीजर. अब स्क्रीन पर सबसे पहले क्या आएगा, एंटर एन इंटीजर. अब हमको इनपुट लेना है, तो मैंने क्या बताया था, इनपुट के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्कैनएफ. तो स्कैनएफ, अब देखो हमें इनपुट किस टाइप का लेना है, इंटीजर टाइप का, तो उसके लिए कौन सा है, परसेंटेज डी, क्या है. और अब देखो एंड लिखा है, आप पूछोगे मैम एंड क्यों लिखा है, एंड इसलिए लिखा है क्योंकि हम टेस्ट इंटीजर का एड्रेस हमेशा बताते हैं, क्या बताते हैं. देखो अब एक प्रिंट एफ आ गया नॉर्मल, और नीचे देखो एक प्रिंट एफ आ गया आउटपुट. अब आउटपुट किस में आ रहा है बताओ, टेस्ट इंटीजर में ना, नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो क्या लिखेंगे यहाँ, टेस्ट इंटीजर, क्या लिखेंगे, और रिटर्न जीरो तो आ गई. तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एंटर, पहले ये पूछेगा एंटर इंटीजर, फिर हम 4 लिखेंगे, फिर आउटपुट वो दे देगा, ठीक है. द स्कैनएफ फंक्शन रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, व्हेन द यूजर्स एंटर एन इंटीजर इट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल टेस्ट इंटीजर. नोट द एंड साइन बिफोर टेस्ट इंटीजर एंड टेस्ट इंटीजर गिव्स द एड्रेस ऑफ टेस्ट इंटीजर, मतलब वो ये बताता है एंड टेस्ट इंटीजर क्या बताता है, कि वो टेस्ट इंटीजर कहाँ पर सेव है, ठीक है. वो कोई ना किसी घर में, किसी कोई कोई एड्रेस होता है उसका, मतलब उसका कोई घर होता है जहाँ से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछना, ज़रूर ज़रूर. नेक्स्ट है सी फ्लोट. अभी तक हम क्या कर रहे थे, सी, ये सब डेटा टाइप्स हैं, अभी तक हम कर रहे थे इंटीजर, अब क्या हम कर रहे हैं, फ्लोट. फ्लोट का मतलब होता है कि पॉइंट्स में डेटा, जैसे 1.111, 2.26, ठीक है, सेम वही इंट मेन, फिर ये, फिर अब इंटीजर की तरह हमने क्या डिफाइन कर दिया, फ्लोट, वो सेम इंटीजर. अब देखो फ्लोट के केस में क्या करना है, परसेंटेज एफ आएगा, क्या आएगा, परसेंटेज एफ, एड कर रही है वो सेम है. आउटपुट क्या है, देखो एंटर इंटीजर 23.45, वैल्यू कैसे दी, पॉइंट्स के बाद, ठीक है. द फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंटेज एफ इज यूज टू रीड एंड डिस्प्ले फॉर्मेटेड इन केस ऑफ फ्लोट्स, ठीक है.
अब हमने क्या कर लिया, इंटीजर का देख लिया, फ्लोट का देख लिया, अब आ गई बारी करेक्टर की, मतलब हमने कोई अल्फ़ाबेट डालना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट डालने के लिए देखो वही फर्स्ट स्टेप, शेड्यू डॉट एच, इंट मेन, ये शुरू होगा। नाउ करेक्टर टाइप, देखा आपने इंटीजर के केस में क्या डाला था, इंट, फ्लोट के केस में क्या डाला था, फ्लोट, करेक्टर के केस में क्या डाला है, सी एच ए आर करेक्टर, और इसको एक वेरिएबल दे दिया, फिर प्रिंट एफ कर दिया, फिर स्कैन एफ कर दिया, फिर प्रिंट एफ में आउटपुट दिखा दी। ठीक है, समझ आ गई, स्टेप्स वही के वही हैं बिल्कुल, जस्ट क्या चेंज हो गया है, ये डेटा टाइप चेंज हो गया। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंटेज सी इज यूज्ड इन द केस ऑफ करेक्टर टाइप्स, लिटिल बिट ऑन एस्काई। अब आप सोचोगे एस्काई क्या है, एस्काई होती है जैसे कि, अब पता क्या होता है, जो कंप्यूटर है ना वो ए बी सी डी की लैंग्वेज नहीं समझता, जो कंप्यूटर है ना वो समझता है ज़ीरो और वन की लैंग्वेज, और ज़ीरो और वन की लैंग्वेज, अब जैसे सिक्स है, सिक्स की भी कोई वैल्यू है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो अगर हमने कोई करेक्टर डाला, सपोज करो जी डाला, तो उसकी कोई एस्काई वैल्यू होगी जो कि कंप्यूटर जिस पे काम करता है, कंप्यूटर जी पे नहीं काम करता, कंप्यूटर किस पे काम करता है, एस्काई कोड पे। ठीक है, तो एस्काई कोड के लिए क्या किया, हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, ये ऐसा करती हूँ मैं, इसको प्रैक्टिकल बताती हूँ, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर उसके बाद उसी प्रैक्टिकल में ही एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, एस्काई कोड का, एस्काई कोड के वैसे भी मुझे प्रोग्राम्स बनाने भी हैं, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, जस्ट कि सी इनपुट आउटपुट प्रिंट एफ स्कैन एफ इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स का मतलब इंटीजर फॉर्मेट, फ्लोट फॉर्मेट और करेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, तीन टाइप में ही रखते हैं अभी फिलहाल। ओके, डोंट फॉरगेट कि आप नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोस इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा बर्डन भी बढ़ता जाता है, तो आप करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, फर्स्ट वीडियो से शुरू करो, उसके बाद धीरे 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 आते जाओ। अभी तक हमने दो प्रैक्टिकल प्रोग्राम बना लिए, आज एक और प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह से मेरे ख्याल से कम 100 प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स आराम से हम शायद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बस आप देखते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या लैंग्वेज समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इन सब बातों के बारे में मुझे बताइए, ताकि मैं अपने आप को और आगे की वीडियोस में अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपने और लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दोबारा ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए हमारे चैनल पे तो आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग सो मच लव, आई एम सीइंग यू आर व्यूइंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल द व्यूज़ एंड थैंक यू सो मच, लव लव, हैव अ नाइस डे।